बहुत बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे के दो साथियों को मार गिराया है। पुलिस पता कर रही है कि जो दो बदमाश मारे गए हैं वो गांव वालों को बदमाश की पहचान के लिए बुलाया गया और वो कौन है इसकी अभी शिनाख्त की जा रही है। साथ ही पुलिस जंगलों में तलाशी अभियान चला रही है। कितने एनकाउंटर होगा देखिए, रात्रि में जो घटना हुई थी जिसमें 8 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हुए थे, उसके बाद पूरे कानपुर नगर की पुलिस फोर्स को सड़कों पर उतार दिया गया था और लगातार कई टीमें बना करके हम लोग कॉम्बिंग कर रहे थे। जो भी जंगल हैं, भागने के रास्ते हैं, रेल के ट्रैक हैं, इन पर लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही थी। इसी कॉम्बिंग के दौरान आज सुबह जो है अपराधियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। अपराधियों ने पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करी जिसमें हमारे दो पुलिसकर्मी घायल हुए। जवाबी गोलीबारी में दो अपराधी मारे गए हैं और उनके पास से वो हथियार बरामद हुए हैं जिससे रात्रि के समय में उन्होंने पुलिस पर गोली चलाई थी और एक पिस्टल जो हमारे पुलिसकर्मी के उन्होंने लूट ली थी वो भी इन अपराधियों से बरामद हुई है। 3 अपराधी अभी और हैं जो उन जंगलों में अभी छिपे होने की संभावना है। पुलिस उनकी भी कॉम्बिंग चल रही है और उनकी है गोली सूचना मिली है। देखिए, अभी जो दो अपराधी मारे गए हैं इनकी पहचान के लिए गांव वालों को बुलाया गया है, वो इनकी पहचान करेंगे तभी इस बात को कंफर्म करेंगे। सवाल फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए, कानपुर एनकाउंटर पर लखनऊ से आ रही एक बड़ी खबर।